आज हम लोग 9th जनवरी को जो जेई मेंस का टेस्ट हुआ था उसका मॉर्निंग सेशन वाला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में आप देखेंगे कि जो पहला सवाल है ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का है और उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उससे रिलेटेड ये सवाल है। इसमें एक वेरिएबल फोर्स दिया गया है, कहा गया कंसीडर अ फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0 टू पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 1 अलोंग द लाइन सेगमेंट। आप देखेंगे डायग्राम भी बनाया गया है तो यहाँ पर एक लाइन दिखाया गया है तो ए से बी तक ले जाना है इस तरह से एरो के डायरेक्शन में, ठीक। और जो भी क्वांटिटीज दिए गए हैं वो एसआई यूनिट में है तो आंसर भी अपना एसआई यूनिट में आना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, है ना। और जब कोई फोर्स ऐसा है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप तो हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक। यहाँ पर क्या है जो वेरिएबल है वो एक्स है, एक्स वेरिएबल है तो यहाँ पर लिमिट जो रखते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट रखते हैं। एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट जैसे देखेंगे यहाँ पर है 1 और फाइनल कोऑर्डिनेट जो है वो है 0। उसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल जो है वो वाई है तो वाई का इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0 और फाइनल कोऑर्डिनेट है 1। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें एफ एक्स क्या है, जो फोर्स हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। तो देख सकते हैं एफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स हमें रखना है, लिमिट 1 से 0 प्लस एफ वाई का जो वैल्यू है वो है वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तो ये आएगा माइनस, यहाँ कर देते हैं माइनस एक्स डी एक्स का आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 1 से 0 प्लस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 से 1, है ना। तो फाइनली लिमिट रखने के बाद क्या आएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं पहले 0 रखेंगे, है ना, तो आएगा 0/2 फिर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि माइनस 1/2 प्लस y का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1/2 फिर 0 ऐसा आएगा। तो ये देखेंगे ये प्लस 1/2 और ये प्लस 1/2 टोटल मिलकर के हो जाएगा 1 जूल, है ना। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।